इतना ओरिजिनल क्वेश्चन तुमने कैसे सोचा? मैं रियली सोचा कैसे तुमने? सॉरी आई एम बीइंग सार्कास्टिक. प्रमोशंस आर क्रेजी बट लॉट ऑफ फन. इट्स सो मच फन टू प्रमोट अ फिल्म आफ्टर टू इयर्स फॉर मी एंड जस्ट सो प्राउड ऑफ बिंदु, सो हैप्पी विद इट दैट आई एम सो एक्साइटेड लाइक फॉर पीपल टू वॉच इट नाउ. And yeah, looking forward to 12th of May coming soon. I think while promoting, हमें ये पता चल रहा है कि chapter सबको अच्छे लग रहे हैं, सबको गाने अच्छे लग रहे हैं, and that's a great thing to happen. So you both are more focusing on the songs right now, क्योंकि आप गाने से ज़्यादा promote कर रहे हैं फिल्म को, गाने लोगों ने बहुत. I think film की release से पहले तो गाने से promote होती है फिल्म. बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किए गाने. हाँ. Yeah, of course, we started 5 chapters. पहले chapters से promote किया, फिर of course गाने से promote किया. But of course, the unique thing was creating these 5 different chapters from the film. क्योंकि अभी मनु भी एक writer है, उसकी भी life के chapters हैं, और बिंदु उसकी inspiration है, and उसे obsessed है, and बिंदु is a aspiring singer in the film. तो उसको लेकर भी काफ़ी chapters हैं, काफ़ी गाने हैं. नया गाना भी launch हुआ है आज, खोल दे भाई, and which is very amazing, जो बिंदु को एक inspire करता है, या फिर एक it's like a fillip to बिंदु's career aspirations. Parineeti, you are this quirky goofball from the movie. You know, anyone would fall for you. So, how much do you really relate with the character? I mean, how much does Parineeti relate with? Energy wise we are the same. I'm also quite an energetic person, but that's the only similarity between Bindu and me. Bindu actually is a very irresponsible, you know, she's just like a free flowing girl who doesn't really complete things, doesn't complete relationships, etc. But I'm not like that in real life at all. Ayushmann sir, hali mein Karnataka government ne tickets ko cap kiya gaya 200 minimum. नहीं सुना मैंने इसके बारे में. ओह वाओ. तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हाल ही में बाहुबली के जो कलेक्शंस है वो देखो 2500 कलेक्शन टिकट्स के दाम पे, तो आप कैसे सोचते हैं कैप्स करना इन टिकट्स को? हमको पता ही नहीं एक्चुअली, मैंने भी नहीं सुना ये. लेकिन अच्छा है अगर कम है तो. ज्यादा लोग आएंगे. मैंने सुनी नहीं ये न्यूज़, तो मैं ये न्यूज़ जाऊंगी, घर जाऊंगी, न्यूज़ पढ़ूंगी और फिर आपको फोन करूंगी. नहीं सुनी एक्चुअली. In the chapter 5, you made this this list of songs that you know you relate with your life. So, what would be the one song from both of your lives that you know you can relate to? अभी रिसेंटली हमने गाना गाया था आज जाने की जितना करो, हमें गज़लें बहुत पसंद हैं. हम इसकी तो क्लासिकली क्लासिकल बैकग्राउंड है, मैं स्टार्टिंग बचपन में क्लासिकल ट्रेनिंग कुछ ली थी, और ये यमन कल्याण का जो की गज़ल है आज जाने की जितना करो इज वन ऑफ द सॉन्ग्स वी लाइक. फॉर मी देर आर मैनी 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 सॉन्ग्स. लग जा गले देखो ना फ्रॉम फना, इश्क हुआ ही हुआ फ्रॉम आजा नचले, जीना या मरना या बिकॉज माई डैड, आ जाने की जिद ना करो बिकॉज माई नाना. देर आर जस्ट डिफरेंट सॉन्ग्स विच आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ एंड दैट्स एग्जैक्टली मेरी प्यारी बिंदु ऑल्सो. ये बिल्कुल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा पूछोगे. ये कितना सरप्राइजिंग क्वेश्चन है. लग जाएगा. आई एम बीइंग वेरी सार्कास्टिक. नो नो नहीं विशु सिंह आता. ओ रियली, आई लव्ड व्हाट शी वाज वेयरिंग, आई लव्ड इट. तो आप प्रियंका चोपड़ा के स्टाइल को किस तरह से?
मैंने बोला आई लव व्हाट शी वाज वेयरिंग आई लव्ड इट मुझे बहुत अच्छा लगा आई थिंक शी वाज लुकिंग फैब हमें तो सोशल मीडिया पे जाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है तो मैं जरूर आज घर जाके आपको भी फोन करूंगी मैड बॉयज They are my mad boys. I love them. Rohit sir, Ajay, Kunal, Arshad, Shreyas, Tushar. They are my boys now. And I'm a part of this boy gang. And वो लोग इतने supportive हैं, वो लोग इतना प्यार देते हैं. और उन्होंने खुद बोला था कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग बिंदु जी का cutout लाएंगे और हम लोग मेरी प्यारी बिंदु को promote करेंगे. So I love them and I'm missing them. I'm gonna go and shoot with them very soon. Thank you guys. Thank you. एक और कंट्रोवर्सी के बारे में उनको पूछना है। जो कैप्स को लेके सवाल था। Oh no. आज मैंने कैप पहनी नहीं है मैं। जो आम जनता है वो जिनको पीवीआर में जाने को मिलना चाहिए, टिकट्स के दाम कम होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आपको बाहुबली की टिकट मिली नहीं, इसलिए आप स्ट्रेस हैं। अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग दाम होते हैं यार, आप सिंगल स्क्रीन में देख सकते हो, ऐसी बात क्या है? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.